सुजौली थाना क्षेत्र से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक विशालकाय पीपल के वृक्ष पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के पेड़ की ऊपरी शाखा पर आसन लगाए बैठे हैं। उन्हें देखने के लिए आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। दरअसल वह पेड़ की शाखाओं पर नहीं बल्कि पत्तियों के आसन लगाकर बैठे हुए हैं। वह सोमवार को सुबह 6 बजे से पेड़ पर विराजमान थे। जानकारी मिलते ही उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हुई। एहतियातन तौर पर प्रशासन ने इलाके पर पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस के समझाने पर वह करीब 11 बजे पेड़ से उतरे और अपना नाम बंदरिया बाबा बताया है। थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि साधु का कहना है कि उनके ऊपर बजरंगबली की कृपा है और जब बजरंगबली के आदेश पर वो पेड़ पर चढ़ते जाते हैं। वह कुछ समय पहले रामगांव में पेड़ पर चढ़ गए थे। एसडीओ ने बताया कि बंदरिया बाबा अब नेपाल के रास्ते पशुपतिनाथ चले गए हैं। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।